धुरकी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। भारतवर्ष में महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। मेरे देश की धरती पर न जाने कितने वीरों ने अपने शहादत कर देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज हर क्षेत्र में पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। चाहे वह बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे भी भारत देश में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। वैसा ही एक धुरकी प्रखंड अंतर्गत कदवा उर्फ लिखनी धौरा निवासी रामाशीष गुप्ता की पुत्री अंशु कुमारी मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंशु के माता पिता ने अंशु को मिठाई खिलाकर उसके मनोबल को बढ़ाया एवं आगे भी निरंतर सफलता प्राप्त करने को कहा। वहीं विद्यालय की वार्डन सह शिक्षिका सुमन सिन्हा ने अपने विद्यालय परिवार की ओर से इस सफलता पर शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी है। अंशु ने बताया कि मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरु को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे हर समय पढ़ने को प्रेरित करते रहे। अंशु ने यह भी बताया कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने समाज एवं देश के मरीजों की सेवा कर सकूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज। मैं हूं आपके साथ संतोष कुमार। मैट्रिक की परीक्षा में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय धुरकी की छात्रा अंशु कुमारी ने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं और मैं आज उनसे बातचीत करूंगा। अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज अंशु गुप्ता। माय फादर्स नेम इज मिस्टर रामाशीष गुप्ता। माय मदर्स नेम इज मिसेस कौशल्या गुप्ता। आई लिव एट धुरकी कदवा उर्फ लिखनी धौरा। मैट्रिक की परीक्षा में आप कितना अंक प्राप्त किए थे और आप किस विद्यालय की छात्रा हैं? मैं मैट्रिक की एग्जाम में 446 अंक प्राप्त की हूं और मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय धुरकी की छात्रा हूं। एग्जाम की तैयारी आप कैसे करते थे और एग्जाम की तैयारी के लिए आप कितने घंटे रोज पढ़ाई करते थे? मैं एग्जाम की तैयारी के लिए रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। आपके विद्यालय की शिक्षकों ने पढ़ाई के लिए कैसे मार्गदर्शन दिए थे? हमारे स्कूल के टीचर्स हमें कोई भी सवाल को बहुत इजीली बताते थे, जिससे हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता था, और जो समझ में नहीं आता था उसे हम बिना हिचकिचाए जाकर सर से पूछते थे और सर या मैम हमें उस क्वेश्चन का आंसर बताते थे। लड़का और लड़की की पढ़ाई में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बार देखा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, इसमें आपकी क्या राय है? लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं करना चाहिए, लड़का और लड़की को बराबर पढ़ाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में लड़के और लड़कियों को बराबर का हक मिलना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में लड़के से ज़्यादा लड़कियां ही होती हैं और लड़कियां को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अंशु जी, आप पढ़ाई पूरी कर क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अपनी सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा और अपने स्कूल के सभी टीचर्स को देना चाहूंगी। अंशु जी, अंत में आप अपने सहेली और मित्रों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी? मैं सभी स्टूडेंट्स को यही मार्गदर्शन दूंगी कि वो पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करें, जिससे मुझसे भी ज्यादा वो अंक प्राप्त कर अपने मम्मी पापा तथा अपने स्कूल का नाम रोशन करें। धन्यवाद।